हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। आज की जो वीडियो है वह यह है कि यह कूलर वाटर पंप है जो कि गर्मियों का समय चल रहा है तो इनमें ज़्यादा खराबी आ जाती है। तो इन वाटर पंप में ज़्यादा कुछ खराबी नहीं आती है, हम इसको चलाकर देखते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह पूरी तरह से बंद है, घूम नहीं रहा है। इनमें खराबी आने का कारण इनके अंदर कचरा चला जाता है, मिट्टी भर जाती है तो यह बंद हो जाते हैं। तो चलिए हम इसे खोल कर देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम इसे आगे से ओपन कर लेते हैं और इसमें भी यह क्लैंप बना हुआ रहता है जिसको कि इस प्रकार हम घुमाते हैं तो यह बाहर निकल आता है। तो देखिए दोस्तों, यह इसमें बासर लगा हुआ है और यह पीवीसी एम्पलर है और यह रोटर है जो कि चुंबकीय रोटर होता है, यह इसकी सापट है। तो इसके अंदर कचरा भर जाने के कारण यह बंद हो जाता है और हम इसके कचड़े को बाहर निकाल कर साफ करके दोबारा इसको सेट करते हैं और चलाते हैं तो यह चालू भी हो जाता है। पर यदि इसकी कॉइल शॉर्ट हो जाती है या जल जाती है तो यह ऑन नहीं होता है। अब हम इसके पीछे के बैक कवर को खोलते हैं तो यह देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। इस पीवीसी के अंदर इसकी मैग्नेटिक कॉइल रहती है तो इसमें ज़्यादा रिपेयर की गुंजाइश नहीं रहती है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि बहुत से व्यूअर्स यह नहीं जानते हैं कि इसको थोड़ा बहुत रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं। यह देखिए दोस्तों, यह नया वाटर पंप है, इसको भी हम इस प्रकार खोल सकते हैं और इसके अंदर जमा कचड़े को निकालकर साफ करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस कूलर वाटर पंप को खोल सकते हैं, इसकी सफाई कर सकते हैं और हम इसको थोड़ा बहुत रिपेयर भी कर सकते हैं। पर इसमें ज़्यादा रिपेयर की गुंजाइश नहीं होती है। यह 200 से 250 वोल्ट एसी में कार्य करता है और इसकी वाटर उठाने की जो क्षमता होती है वो 1 से 1.5 मीटर तक रहती है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे
ऑन करते हैं तो यह हमारा वाटर पंप सही है और वर्क कर रहा है। आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी, तो वीडियो यही थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।